मुरादाबाद एक जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर 2019 में अपने कांग्रेस को मौका दिया, यानी कि आपने कांग्रेस को मौका दिया, तो ये लोग कश्मीर के पत्थरबाजों को भी भत्ता देने लगेंगे। वहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए, ऐसा लगता है कि जैसे ISI का दस्तावेज हो। वहीं पर इस अवसर पर CM योगी ने मायावती पर भी जमकर निशाना साधा। सपा और बसपा के लोग हैं, इनके द्वारा किस प्रकार का भाव भरा जाता है, क्या हम भूल जाते हैं इन सब बातों को? क्या हमारे साथ इतने भारी अपना अपमान किए जाने के बावजूद भी हम उस सब के बावजूद उनके साथ रिश्ते रखने चाहते हैं? ये लोग जाते हैं, इटली जाते हैं तो अपने को कैथोलिक क्रिश्चियन कहते हैं, सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो नॉन हिंदू विजिटर में हस्ताक्षर करते हैं, और जब लगता है कि वोट बैंक पर्याप्त नहीं है तो मंदिर मंदिर भटकने का कार्य भी करते हैं। 2005 में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय इसी कांग्रेस ने लिया था, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, और 2005 में राम सेतु को तोड़ने के बाद हुए आंदोलन के फलस्वरूप जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, कांग्रेस नेतृत्व की UPA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उस समय उन्होंने कहा था कि देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।